प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। दरअसल बता दें कि वाराणसी में पहुंचे हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आयुक्त सभागार में वाराणसी मंडल और विंध्याचल मंडल के ग्राम विकास अधिकारियों के साथ संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दोनों मंडल के सभी ग्राम विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष के नेताओं के पटना में जुटने को लेकर के जमकर कटाक्ष किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ आगामी चुनाव में 350 से अधिक एनडीए के सांसदों की जीत का दावा किया। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से विकास करने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कल विश्व योग दिवस मना करके आज अमेरिकी संसद को वह संयुक्त सदन को संबोधित करने जा रहे हैं। पूरा भारत उनके संबोधन को सुनेगा, गर्व महसूस कर रहा है। कांग्रेस माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में सारी मर्यादाओं को पहले ही तार तार कर चुकी है और कांग्रेस माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से अपना जनाधार बढ़ा रही है और लगातार कांग्रेस की हार की तड़पड़ में जो तड़प रहे हैं उसके कारण इस प्रकार के बयान हैं।